तो लोग क्या चलो, उम्मीद आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले एक न्यू सर्वाइवल सीरीज, लेकिन उससे पहले जिसने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी एक न्यू सर्वाइवल सीरीज। ओके, तो जल्दी से मैं क्रिएट कर लेता एक न्यू वर्ल्ड को, और मैं अपने वर्ल्ड का क्या नाम रखूं। A few moments later. Guys, काफी देर सोचने के बाद मुझे कोई नाम समझ में नहीं आ रहा था, तो guys, इसलिए मैंने इस वर्ल्ड का नाम रख दिया हबीबी। गाइज आप लोग यहाँ पर देख लेते हो, गाइज यहाँ पर सब सेटिंग नॉर्मल है। जल्दी से गाइज मैं यहाँ पर शो कोऑर्डिनेट्स ऑन कर देता हूँ। तो गाइज ये रहा, मैं इसको ऑन कर दिया हूँ। और गाइज मैं यहाँ पर अभी कोई सेडर यूज नहीं कर रहा हूँ, गाइज बाद में यूज कर लूंगा। आप लोग कमेंट करके बता देना कि कौन सा सेडर अच्छा रहता है। तो चलो गाइज जल्दी से हम क्रिएट कर लेते हैं एक न्यू वर्ल्ड को। बाकी गाइज आपको पता ही होगा गाइज MCP में कितना टाइम लगता है वर्ल्ड को क्रिएट होने में। 1 hour later. बस गाइज मुझे एक अच्छी जगह स्पॉन मिल जाए। ओके, तो गाइज यहाँ पर हमारा वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है। गाइज यहाँ पर मेरे स्पॉन के सामने में ही एक समुंदर है, और गाइज अगल बगल तो गाइज यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और गाइज यहाँ पर, अरे भाई साहब, गाइज स्पॉन पे गाइज विलेज मिल चुका है मुझे, वो भी गाइज यहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ के साथ। और भाई साहब गाइज आज मजा ही आ गया। चलो गाइज आगे चल के देखते हैं गाइज और भी तगड़ी लूट मिल सकती है। गाइज अभी तो एक ही ब्लैक स्मिथ का हाउस मिल चुका है मुझे। और गाइज यहाँ पर, गाइज यहाँ पर तो फार्म है, और गाइज वहाँ पर देखो गोलम नजर आ रहा है। और गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो, गाइज यहाँ पर एक और ब्लैक स्मिथ है। और भाई साहब गाइज इस विलेज में दो दो ब्लैक स्मिथ मिल चुके हैं मुझे। और गाइज आप देख सकते हो उसी के बगल में एक और ब्लैक स्मिथ है। ओ भाई साहब गाइज मुझे यहाँ पर तीन तीन ब्लैक स्मिथ एक ही विलेज में मिल गया है। चलो गाइज जल्दी से मैं इन सारे ब्लैक स्मिथ के घर को लूटना शुरू कर देता हूँ, लेकिन पहले स्टार्ट करता हूँ इस घर से। तो चलो गाइज आप देखते हैं इस घर के लूट में क्या होगा। अरे भाई साहब गाइज ये देखो कितनी ओपी लूट मिली है मुझे। और गाइज यहाँ पर अभी तो दो ब्लैक स्मिथ के हाउस तो बाकी है ना, उसमें देखेंगे गाइज कितनी ओपी लूट मिलती है। तो चलो गाइज अब लूटते हैं दूसरे ब्लैक स्मिथ के हाउस को। गाइज मुझे तो लगता है मेरा एक गोल यहीं पर ही कंप्लीट हो जाएगा, जो कि है गाइज मेरा एक पूरा आयरन का आर्मर बनाना, और गाइज दूसरा गोल है मेरा एक ब्यूटीफुल सा मॉडर्न हाउस बनाना। लेकिन एक सेकंड गाइज यहाँ पर एक और ब्लैक स्मिथ का हाउस है। अरे भाई साहब गाइज एक ही विलेज में चार चार ब्लैक स्मिथ। गाइज लगता है कि आज मेरा माइनक्राफ्ट में लकी डे है। गाइज जल्दी से मैं इन सारे ब्लैक स्मिथ के हाउस को लूट लेता हूँ। गाइज सारी चेस्ट लूटने के बाद जैसे ही गाइज मैं बाहर आता हूँ, गाइज मुझे दिखता है यहाँ पर एक रुइंड पोर्टल। तो चलो गाइज अब इसे भी लूटते हैं। तो गाइज उसे लूटने के बाद मुझे जो भी आर्मर मिला गाइज मैं सबको पहन लेता हूँ, बस सिवाय जूते के। और गाइज आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइज ये पोर्टल गाइज यहाँ पर पूरा का पूरा बना हुआ है। बस गाइज यहाँ पर सिर्फ दो ऑब्सीडियन बचे हुए हैं। और गाइज मैंने अभी तक इस गोल्ड ब्लॉक को नहीं तोड़ा है, क्योंकि गाइज मेरे पास आयरन की पिकैक्स नहीं है। अब गाइज आप लोग सोच रहे होगा गाइज मेरे पास तो ये गोल्ड पिकैक्स है, लेकिन गाइज फिर भी मैंने इसे नहीं तोड़ा, क्योंकि गाइज मुझे अभी तक पता नहीं है कि गाइज ये गोल्ड ब्लॉक इस पिकैक्स से टूटेगा या फिर नहीं। और गाइज मैं ये गोल्ड ब्लॉक गवाना नहीं चाहता, इसलिए गाइज मैं जल्दी से आयरन की पिकैक्स बना लेता हूं। और उसे गाइज बनाने के लिए मुझे स्टिक चाहिए, और गाइज स्टिक आएगी लकड़ियां से। तो गाइज जल्दी से मैं इस पेड़ को तोड़ लेता हूं। ओके, तो गाइज जल्दी से मैं इस वुड से प्लैंक्स को बना लेता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पर रखी वुड, और गाइज यहाँ पर आ गया बहुत सारे प्लैंक्स। तो जल्दी से मैं क्राफ्टिंग टेबल को बना लेता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल को प्लेस कर दिया। तो चलो गाइज आप जल्दी से यहाँ पर बहुत सारे स्टिक्स को बना लेते हैं, लेकिन उससे पहले गाइज मैं जल्दी से यहाँ पर एक शील्ड को बना लेता हूँ। तो गाइज ये आ गई मेरी एक शील्ड। अब जल्दी से गाइज मैं इसको अपने लेफ्ट हैंड में ले लेता हूँ। अब चलो गाइज जल्दी से मैं यहाँ पर स्टिक्स को बना लेता हूँ, उसके बाद गाइज मैं आयरन की पिकैक्स को बना लूंगा। तो गाइज ये रही मेरी आयरन की पिकैक्स। गाइज लगे हाथ मैं एक आयरन के एक्स को भी बना लेता हूँ। चलो गाइज एक आयरन के शवल को भी बना ही लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमारा एक गोल कंप्लीट हो चुका है, जो कि गाइज था मेरा यहाँ पर आयरन के आर्मर को बनाना, और गाइज आयरन के टूल्स को बनाना। तो चलो गाइज आप तोड़ते हैं उस गोल्ड के ब्लॉक को। तो चलो गाइज लगे तो मैं इस बड़े पेड़ को भी तोड़ ही लेता हूँ। गाइज यहाँ पर काफी देर मेहनत करने के बाद गाइज आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरा हंगर बार बहुत ही कम हो गया। तो चलो गाइज कलेक्ट करते हैं बहुत सारा फूड। अब गाइज यहाँ पर काफी सारे एनिमल्स को मारने के बाद गाइज आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरा हंगर बार बहुत ही ज्यादा कम हो गया, इसलिए गाइज मैं यहाँ पर एप्पल को खा करके अपनी भूख को मिटा लेता हूँ। उसके बाद गाइज मैं फिर से एनिमल्स को मारना चालू कर देता हूँ। गाइज यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स को मारने के बाद गाइज आप लोग यहाँ पर देख सकते हो रात होने लगती है, इसलिए गाइज मैं जल्दी से यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करता हूँ। गाइज जल्दी से मैं यहाँ पर कुछ प्लैंक्स को बना लेता हूँ। उसके बाद गाइज मैं यहाँ पर एक बेड बना लेता हूँ। उसके बाद गाइज मैं यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल के बगल में ही गाइज यहाँ पर बेड को प्लेस कर देता हूँ। उसके बाद गाइज मैं पहली रात माइनक्राफ्ट में सो जाता हूँ। The next day. अब गाइज मैं बनाऊंगा एक ब्यूटीफुल सा मॉडर्न हाउस, लेकिन गाइज विलेज के पास में नहीं, गाइज विलेज से थोड़ा दूर में ही बनाऊंगा। तो सबसे पहले गाइज मैं एक अच्छे से प्लेस को ढूंढ लेता हूँ। A few minutes later. गाइज आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइज मुझे यहाँ पर अच्छा सा एक प्लेस मिल चुका है, जो कि गाइज पहाड़ के बगल में ही है। अब गाइज मैं यहाँ पर बनाऊंगा एक ब्यूटीफुल सा हाउस, लेकिन सबसे पहले गाइज मुझे इस जगह को क्लीन करना होगा। तो चलो गाइज मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद गाइज मैं आपसे मिलता हूँ 2 मिनट में। A few moments later. तो गाइज मैंने यहाँ पर इस जगह को पूरा साफ कर दिया। अब गाइज ये देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। और गाइज अभी मैं जो घर बनाने जा रहा हूँ गाइज उसमें लगेंगे बहुत सारे वुड। तो चलते हैं गाइज बहुत सारे वुड को तोड़ते हैं। तब तक गाइज आप लोग टाइम लैप्स एंजॉय करना, लेकिन हाँ गाइज स्किप मत करना यार, वीडियो की रीच डाउन हो जाती है।
2 hours later. गाइस यहाँ पर काफी ज्यादा पेड़ को तोड़ने के बाद गाइस यहाँ पर काफी ज्यादा लकड़ियाँ आ जाती है। अब गाइस मैं इन लकड़ियों से सबसे पहले अपने घर की एक आउटलाइन को बना लेता हूँ, तो गाइस जल्दी से मैं उसको बना लेता हूँ। तो गाइस ये देखो हमारे घर की आउटलाइन बन जाने के बाद गाइस कुछ ऐसी दिखती है। जब गाइस ये पूरा घर बनके कंप्लीट हो जाएगा ना गाइस, तब देखना ये कितना ज्यादा अमेजिंग लगेगा। तो गाइस अब मैं आपसे मिलता हूँ इस घर को बनाने के बाद। 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. गाइस मेरा घर यहाँ पर पूरा का पूरा बनके कंप्लीट हो चुका है। लेकिन गाइस मेरे घर को देखने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है? प्लीज यार जाके कर दो यार सब्सक्राइब। तो गाइस आप लोग रेडी हो जाओ मेरा घर देखने के लिए। तो गाइस ये देखो मेरा घर। गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना गाइस आपको ये घर कैसा लगा। चलो गाइस अब मैं आप लोगों को अंदर ले जाके दिखा देता हूं गाइस मेरा घर अंदर से कैसा दिखता है। तो गाइस ये मेरे घर का मेन डोर था गाइस। आप लोग जैसे ही इसके अंदर जाओगे गाइस आपको यहां पर सामने में ही चेस्ट मिल जाएगा। और गाइस आपको यहां पर बगल में दिख रहा होगा गाइस यहां पर मेरा बेड है। और गाइस इस साइड मैंने यहां पर फर्निश को लगा दिया गाइस। सामने में बैरल है गाइस। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना गाइस आपको ये घर कैसा लगा। तो चलो गाइस आप चलते हैं ऊपर वाले घर को और दिखाते हैं गाइस आपको ऊपर वाला घर कैसा दिखता है। तो गाइस सबसे पहले आप गाइस यहां पर देख लो गाइस मैंने यहां पर कुछ जानवर को पकड़ के रख दिया गाइस बगल में, शीप और काऊ को। तो गाइस घर के बगल में ये गाइस यहां पर एक सीढ़ियां जिससे गाइस हम लोग ऊपर जा सकते हैं। और गाइस मैंने यहां पर बगल में फार्मिंग कर दिया जो कि गाइस कोई काम का नहीं है। और गाइस मैंने अभी तक ऊपर वाले घर को डेकोरेट नहीं किया जैसा कि गाइस आप लोग यहां पर देख सकते हो। गाइस अगर होगा तो मैं इसको अगली वीडियो में डेकोरेट कर दूंगा। फिलहाल गाइस आप लोग इस वीडियो को देखते हैं। और गाइस इसी रूम के बगल में है गाइस एक बालकनी जो कि गाइस आप लोग यहां पर देख सकते हो। गाइस मैंने यहां पर स्टेयर्स को गाइस चेयर तरह बना दिया है। और गाइस हम लोग यहां से बाहर का नजारा ले सकते हैं जो कि गाइस देखने में कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। बस गाइस इतना ही था इस घर में, जो कुछ भी था गाइस आप लोगों ने देख ही लिया होगा। बस गाइस यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद है तो गाइस वीडियो को भी लाइक कर देना गाइस। लाइक गेम रखते हैं 50 लाइक्स का, उम्मीद है गाइस आप लोग करवा ही दोगे। और गाइस जिसने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।